नमस्कारम, आप देख रहे हैं संवाद कार्यक्रम। मंजिल की चाहत हर इंसान में है, लेकिन पहुंचते बिरले हैं। आप में और मुझ में से भी बहुत बार हम लोग किसी न किसी काम को करने के वक्त सोचते हैं, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पे कुछ बच्चे स्कूटर सीखने जाते हैं, साइकिल सीखने जाते हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ कहते हैं ये हमसे नहीं हो सकता। बार बार बताओ कि नहीं, आसान है, फिर भी नहीं होता। और कुछ बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाते हैं, उनसे होता नहीं है, या वो अपना दिल छोड़ देते हैं, किसी अलग तरह की स्ट्रीम को चुनते हैं, बाद में कहते हैं ये पढ़ाई डिफ़िकल्ट है, मेरे से नहीं हो सकता, फिर बाद में जिद करके वापस कुछ और चुनते हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ और चुन लें तो आप कमज़ोर हो गए, लेकिन कई कई बार अपनी ज़िंदगी से समझौता कर बैठते हैं कि चलो अब छोड़ो, हम नहीं कर सकते, ये तो कुछ और लोगों की बातें हैं, ये तो वो इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उसे हर बार याद रखें, रोज़ याद करें, हर बार काम को हाथ डालने से पहले सोचें, आप कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। और वो बात है कि अगर तोता कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, इफ़ पैरट्स कैन डू देन एनीवन कैन डू। अगर एक छोटा सा तोता जिसकी जान ही इतनी सी है, उसमें बुद्धि भी इतनी सी है, उसका तो ब्रेन भी इतना सा है आपके अंगूठे जितना, फिर भी वो सिखाए जाने पर, कोशिश करने पर हर वो चीज़ कर लेता है जो इंसान उसे सिखाता है। आवाज़ निकालना, नकल करना, किसी चीज़ को कॉपी करके, मान लो आपकी नज़र में वो कॉपी है, मेरी नज़र में वो सीखना है, वो ग्रैस्प करता है, किसी चीज़ को फॉलो करता है, हर वो चीज़ करके दिखाता है। इंसान कई बार चकित हो जाता है, इसके पास क्या सच में ऐसी सोचने की, समझने की शक्ति होगी। वहाँ पे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर एक तोता कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है। बहुत बार लोग दूसरों को अगर सिखाने के वक्त हार जाते हैं कि ये व्यक्ति नहीं कर पा रहे, मैं शायद मुझ में ही कमी है, टीचर्स ऐसा मांग लेती हैं, शायद मैं ही अच्छी टीचर नहीं हूँ, इसी वजह से मेरी क्लास अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, हालांकि वो दूसरों का स्ट्रेस अपने ऊपर ले रही हैं, और उससे उनकी भी योग्यता गिरती है, उनकी भी क्वालिटी में कमी आती है, लेकिन अब सोच लेती हैं तो सोच लेती हैं, अब क्या किया जाए। तो उस वक्त ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई बात नहीं, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों पे मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ को अलग अंदाज से सिखाना पड़ सकता है। अंदाज सबको सिखाने का, सीखने का अलग हो सकता है, लेकिन कर हर कोई सकता है। मैंने कई माताओं बहनों को देखा, आजकल मोबाइल का ज़माना है, वो कहती हैं हमसे नहीं हो सकता, और पहले वो ऐसा कहती हैं, फिर जब सिखाओ तो बाद में सीख भी लेती हैं, करने भी लग जाती हैं, और फिर ऐसा करती हैं कि बाद में छोड़ती नहीं। ये क्या है? ये पहले आपका डर था, आप अपने आप को कम आंक लेते हो, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर मान लेते हो कि मुझसे नहीं हो सकता, ये तो आजकल के ज़माने की चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने ठान ली है तो आप कर ही सकते हैं, ये मैं इसलिए कन्फर्म हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा ने किसी के दिमाग में कमी नहीं छोड़ी, हर किसी को बराबर दिमाग दिया, बराबर चीज़ें दी, वो फिर भी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिभा क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों का मनोबल, संकल्प बल मजबूत होता है, कुछ लोग जल्दी पीछे हट जाते हैं। मैं ये चीज़ आपको फिर याद दिला दूं कि अगर तोता कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को आप सिखा सकते हैं, आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं, 2-4 दिन की क्लास बस, फिर कहते हैं नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, और वहीं पड़ी रहती हैं वो किताबें, वो कोर्स, वो बुक्स, वो सब चीज़ें। योग के लिए जाते हैं, जिम के लिए जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, नए जूते, चप्पल, हर चीज़ खरीदते हैं, और फिर दूसरे दिन जाते हैं तो कुछ शरीर में दर्द उठती है, कहीं पर खलड़ियाँ या कह लो या क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, तो बस सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, वहीं पे छोड़ देते हैं, वहीं पे किताब बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें, उस वक्त आप इस तोते को देख लेना, शायद आपको प्रेरणा मिले, शायद ये आपको कहना चाहता है कि अरे भाई, मैं खुद देखो कितना छोटा हूँ और मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं करते, चलो उठो आओ कुछ करते हैं। नमस्कारम।